दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई अंडर चैप्टर 6A। जीटीआई में से जो डिडक्शंस मिलते हैं चैप्टर 6A में, वो डिडक्शंस हम डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें क्या अमेंडमेंट हुआ? पहला अमेंडमेंट हुआ है सेक्शन 80CCG को लेकर। सेक्शन 80CCG, 80CCG में क्या अमेंडमेंट हुआ, पहले डिस्कस करते हैं 80CCG अप्लीकेबल किस पे है। और तो 80CCG अप्लीकेबल है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल पर। रेजिडेंट इंडिविजुअल पर 80CCG अप्लीकेबल है। उस रेजिडेंट इंडिविजुअल ने क्या पेमेंट किया, क्या इन्वेस्टमेंट किया उसने, जो उसे 80CCG में डिडक्शन मिलेगा आफ्टर जीटीआई। उसने इन्वेस्टमेंट किया या तो लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी में, या फिर लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में। लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी और लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में इन्वेस्टमेंट किया उस रेजिडेंट इंडिविजुअल ने। तो ये शेयर्स और यूनिट्स लिस्टेड होनी चाहिए, प्लस नोटिफाइड होनी चाहिए अंडर राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के तहत। ये शेयर्स और यूनिट्स नोटिफाइड होने चाहिए। तो एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया लिस्टेड इक्विटी शेयर्स और लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। क्या कंडीशंस फुलफिल करे जिससे कि एसएससी को ये डिडक्शन मिल जाए? फर्स्ट कंडीशन है एसएससी की जीटीआई 12 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एसएससी की जीटीआई 12 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, एसएससी न्यू रिटेल इन्वेस्टर होना चाहिए। थर्ड, एसएससी ने इन्वेस्टमेंट किया है लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ ए कंपनी और लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड। और फोर्थ, उससे ये इन्वेस्टमेंट 3 ईयर से पहले बेचना नहीं है, ट्रांसफर नहीं करना है। इसका मतलब इस इन्वेस्टमेंट पर लगा हुआ है 3 ईयर्स का लॉक इन पीरियड। 3 ईयर्स से पहले वो ये इन्वेस्टमेंट बेच नहीं सकता, ट्रांसफर नहीं कर सकता। और इसके अलावा और भी कोई अदर कंडीशंस प्रेस्क्राइब की गई हो, अगर कहां पर प्रेस्क्राइब की गई हो, अंडर राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम के तहत अगर और भी कोई कंडीशन इम्पोज की गई हो, तो वो भी फुलफिल करनी होगी। अगर एसएससी ये सारी कंडीशंस फुलफिल करता है तो उसे डिडक्शन कितना मिलेगा, उसे डिडक्शन मिलेगा 50% ऑफ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट। और 25,000 विच एवर इज लेस। एक्चुअल इन्वेस्टमेंट का 50% और 25,000 विच एवर इज लेस का उसे डिडक्शन मिल जाता है। लेकिन ये डिडक्शन सिर्फ 3 consecutive years के लिए ही अवेलेबल होगा, जब से एसएससी ने पहली बार ये इन्वेस्टमेंट किया तब से। जिस ईयर में एसएससी ने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया लिस्टेड इक्विटी शेयर्स में ऑफ ए कंपनी में, या फिर लिस्टेड यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड में, उसने जब से इन्वेस्टमेंट किया, फर्स्ट एक्वायर्ड जब से किया, तब से 3 consecutive years में उसे ये डिडक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, उसने पहली बार इन्वेस्टमेंट किया फर्स्ट ईयर, उसे डिडक्शन मिल जाएगा।
सेकेंड ईयर में भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, यस इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तभी डिडक्शन मिलेगा। थर्ड ईयर में भी करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट, यस थर्ड ईयर में भी करना पड़ेगा उसे तभी डिडक्शन मिलेगा। सपोज वो सेकेंड ईयर में डिडक्शन नहीं करता, थर्ड ईयर में करता है, तो क्या फोर्थ ईयर में इन्वेस्टमेंट करने पर उसे डिडक्शन मिलेगा? नो। ये नो क्यों नहीं, क्योंकि थ्री कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स ही देखा जाएगा, उसे ये डिडक्शन सिर्फ थ्री कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स में ही मिलेगा जब से उसने ये शेयर्स और यूनिट्स फर्स्ट एक्वायर्ड किए थे। रिटैक्सेबिलिटी के बारे में क्या कहें, रिटैक्सेबिलिटी के बारे में क्या कहें, सिर्फ इतना कह सकते हैं कि वो लॉक इन पीरियड पड़ा था अपने ऊपर थ्री ईयर्स, कि थ्री ईयर से पहले एसएससी को ये इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर नहीं करना चाहिए और अगर कर देता है ट्रांसफर थ्री ईयर से पहले तो उस पर रिटैक्सेबिलिटी प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे। रिटैक्सेबिलिटी प्रोविजंस अट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, इस इन्वेस्टमेंट करने के बेसिस पर उसने पहले अर्लियर ईयर्स में जो भी डिडक्शन क्लेम किया, इस इन्वेस्टमेंट करने के बेसिस पर उसने अर्लियर ईयर्स में जो भी डिडक्शन क्लेम किया वो अमाउंट रिटैक्सेबल हो जाएगा। किस ईयर में, जिस साल एसएससी कॉन्ट्रावेंशन करता है, मतलब जिस साल सेल करता है उस साल की ये डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा। अब इस सेक्शन का सबसे खास पॉइंट, खास पॉइंट क्यों, ये पॉइंट तो बड़ा ही खास है, ध्यान से सुनना। दिस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीजी शैल नॉट बी अलाउड फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2018-19। ये क्या हुआ, आप कहेंगे सर आपने ये सेक्शन पढ़ाई क्यों जब ये असेसमेंट ईयर 2018-19 से इफेक्टिव ही नहीं है, डिलीट हो चुकी है, एप्लीकेबल ही नहीं है, असेसमेंट ईयर 2018 से एप्लीकेबल ही नहीं है। उसका रीजन नीचे ही दे रखा है। हाउएवर एन एसएससी हु हैज क्लेम्ड दिस रिडक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 2017-18, ये असेसमेंट, ये डिडक्शन डिलीट कब से हो रहा है, असेसमेंट ईयर 2018-19 से डिलीट हो रहा है, लेकिन पहले तो थ्री इयर्स था, किसी पर्सन को ध्यान था कि मैं 17-18 असेसमेंट ईयर 17-18 में इन्वेस्टमेंट करूं तो मुझे डिडक्शन असेसमेंट ईयर 18-19 में भी मिले, असेसमेंट ईयर 19-20 में भी मिले, तो क्या मिल जाएगा? यस, मिल जाएगा। जिन लोगों ने असेसमेंट ईयर 17-18 या अर्लियर ईयर्स में इन्वेस्टमेंट किया और उनका थ्री ईयर्स वाला पीरियड अभी भी चल रहा है, उनके लिए ये सेक्शन स्टिल एप्लीकेबल रहेगी। मतलब इस सेक्शन के तहत जो पुरानी एंट्रीज हो चुकी हैं वो तो कंटिन्यू थ्री ईयर्स तक चलेगी, इस सेक्शन में नए लोग असेसमेंट ईयर 2018-19 से एंटर नहीं हो पाएंगे। अब हमारा अगला अमेंडमेंट डिडक्शन चैप्टर में सेक्शन 80 सीसीडी में एक छोटा सा अमेंडमेंट हुआ। 80 सीसीडी है क्या, पहले समझ लें। अगर कोई पर्सन नोटिफाइड पेंशन स्कीम एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करता है तो उसे 80 सीसीडी में डिडक्शन मिलेगा। ये डिडक्शन किसको मिलेगा, इलिजिबल एसएससी कौन है, ओनली इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल को ये डिडक्शन मिलेगा। वो इंडिविजुअल या तो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो सकता है या फिर एम्प्लॉई हो सकता है। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है तो उसकी ज्वाइनिंग डेट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 होनी चाहिए।
ध्यान से सुनना, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो उसकी ज्वाइनिंग डेट ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2004 होनी चाहिए, और अगर वो अदर एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय है तो ज्वाइनिंग डेट मायने नहीं रखती, फिर उसकी ज्वाइनिंग भले 1 जनवरी 2004 से पहले हो चाहे 1 जनवरी 2004 के बाद में हो। ध्यान रहे खास बात और, अटल पेंशन योजना को भी सेक्शन 80 CCD के पर्पस से एनपीएस मान लिया गया है। अमेंडमेंट क्या हुआ? अमेंडमेंट ये हुआ, इस टेबल में अमेंडमेंट दे रखा है, पढ़ते हैं डिटेल में। पहले आते हैं हम एडिशनल कंट्रीब्यूशन डिस्कस करते हैं। पहले एडिशनल कंट्रीब्यूशन को डिस्कस करते हैं। एडिशनल कंट्रीब्यूशन दो सेक्शंस में, 80 CCD सबसेक्शन 1, ये एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन, और 80 CCD सबसेक्शन 2, ये एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। मतलब 80 CCD के सबसेक्शन 1 में एम्प्लॉय का ओन कंट्रीब्यूशन और सबसेक्शन 2 में एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन। इस पर एम्प्लॉय को अपने ओन कंट्रीब्यूशन पर कितना डिडक्शन मिलेगा? 10% ऑफ टेबल सैलरी। टेबल सैलरी का क्या मीनिंग है सर? टेबल सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस CDS CDP प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। टेबल सैलरी का मीनिंग है बेसिक सैलरी प्लस CDS CDP प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। ये CDS CDP क्या होता है? ये CDS CDP क्या होता है? अगर किसी DA DP के आगे लिखा हो इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ सैलरी या लिखा हो इट विल बी कंसीडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, तो उस DA DP को CDS CDP कहा जाता है। तो यहाँ टेबल सैलरी का मीनिंग क्या? बेसिक प्लस CDS CDP प्लस परसेंटेज कमीशन ऑन सेल्स। अब बात करते हम 10% ऑफ टेबल सैलरी, एम्प्लॉय को अपने ओन कंट्रीब्यूशन पर मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा। मतलब 10% लिमिट लग गई। एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन पर सेक्शन 80, एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन पर क्या 80 CCE भी लगेगा? 80 CCE क्या है? वो 80 CCD, 80CC, 80CD सबसेक्शन 1 का एग्रीगेट डिडक्शन 1.5 लाख से ज्यादा नहीं हो सकता। तीन सेक्शन 80C, 80CC, 80CCD सबसेक्शन 1 इन एग्रीगेट कैन नॉट एक्सीड 1,50,000। ये लिखा हुआ है सेक्शन 80 CCE में। मतलब 1.5 लाख की लिमिट लगेगी कि नहीं लगेगी? यस, एम्प्लॉय की ओन कंट्रीब्यूशन पर लगेगी। इट मींस 80 CCD सबसेक्शन 1 पर 1.5 लाख की लिमिट लगेगी, 10% की भी लिमिट लगेगी। अब हम डिस्कस करते हैं एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर 10% लिमिट लगेगी क्या? यस लगेगी, लेकिन 80 CCE की 1.5 लाख की लिमिट नहीं लगेगी। मतलब एम्प्लॉय के ओन कंट्रीब्यूशन पर 10% लिमिट भी लगेगी, 1.5 लाख की 80 CCE भी लगेगी, और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर सिर्फ 10% लिमिट लगेगी लेकिन 80 CCE नहीं लगेगी। तो डिडक्शन किसको मिल रहा है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय को अपने ओन कंट्रीब्यूशन पर 10%, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर भी 10%। खुद के कंट्रीब्यूशन पर 10 और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर भी 10%, टोटल कितना हो गया? 20 हो गया। तो एक एम्प्लॉय को तो 20% डिडक्शन मिल रहा है, एक एम्प्लॉय को तो 20% डिडक्शन मिल रहा है, तो
यहाँ गवर्नमेंट ने कहा अगर सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है उसको तो अपने ओन कंट्रीब्यूशन का ही डिडक्शन मिलता है, उसका कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो उसका डिडक्शन जो पहले 10% था अब उसे 20% कर दिया गया है। तो ये 20% वाला अमेंडमेंट हुआ कि 10% को 20% कर दिया गया। अगर एसएससी सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपनी जीटीआई का 20% तक वो डिडक्शन ले सकता है एनपीएस में कंट्रीब्यूशन करने पर अंडर सेक्शन 80CCD। ये तो हमने डिस्कस किया एडिशनल कंट्रीब्यूशन। एक बात और दे रखी है बेसिक कंट्रीब्यूशन। बेसिक कंट्रीब्यूशन दे रखा है सेक्शन 80CCD के सबसेक्शन 1B में। 1B में एम्प्लॉई अपने ओन कंट्रीब्यूशन पर 50,000 मैक्सिमम डिडक्शन और ले सकता है। ये बेसिक है, ये पहले लेना चाहिए। तो 50,000 मैक्सिमम डिडक्शन। तो ध्यान रहे सेक्शन 80CCD सबसेक्शन 1B पर न तो 10% लिमिट लग रही है न 80CCE लग रहा है, उस पर तो सिर्फ मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन देने की बात की गई है। अब हम आते हैं 80G डोनेशंस देने का सेक्शन। 80G डोनेशंस देने का सेक्शन। अगर आप डोनेशंस देते हैं वेरियस इंस्टीट्यूशंस को बॉडीज को 80G में इस मॉनेटरी डोनेशन का डिडक्शन मिलता है, मॉनेटरी डोनेशंस का डिडक्शन मिलता है। अगर आप डोनेशन इन काइंड देते हैं डिडक्शन नहीं मिलता है। यहां पर एक अमेंडमेंट हुआ 80G जो डोनेशन की सेक्शन थी उसमें अमेंडमेंट हुआ कि अगर आप डोनेशन देते हैं कैश डोनेशन, पहले क्या था कैश डोनेशन देते हैं अगर एक्सीडिंग 10,000 देते हैं तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। पहले क्या था अगर कैश डोनेशन देते हैं एक्सीडिंग 10,000 देते हैं तो 80G में डिडक्शन नहीं मिलेगा। इस 10,000 को अब असेसमेंट ईयर 2018-19 से इस 10,000 को 2000 कर दिया गया। इसका मतलब अब आप कैश डोनेशंस 2000 से एक्सीडिंग देंगे वेरियस इंस्टीट्यूशंस को तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। इन अदर वर्ड्स कैश डोनेशंस सिर्फ और सिर्फ अप टू 2000 तक वैलिड है। ध्यान रहे 80GGB 80GGC 80GGB 80GGC भी थोड़ा याद कर लेना, सोच लेना। उसमें क्या बोला था अगर आप पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं तो कैश डोनेशंस तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक रुपया भी पॉलिटिकल पार्टीज को कैश डोनेशंस देना अलाउ नहीं है। 80CCG 80GGB 80GGC इन दो सेक्शंस में 80GGB 80GGC इन दो सेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट को डोनेशंस देना अलाउ ही नहीं है। आप एक रुपया भी पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन कैश में नहीं दे सकते। अब आते हैं हम हमारा अगला अमेंडमेंट सेक्शन 80IAC सेक्शन 80IAC एलिजिबल स्टार्टअप के लिए डिडक्शन। एलिजिबल स्टार्टअप के लिए डिडक्शन सेक्शन 80IAC। ये डिडक्शन किसको मिलेगा? ओनली कंपनी और LLP को मिलेगा। ओनली कंपनी और LLP को मिलेगा। कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो, SSC इंगेज्ड हो इलिजिबल बिजनेस में, SSC इंगेज्ड हो इलिजिबल बिजनेस में। इलिजिबल बिजनेस किसको बोलेंगे? मींस ए बिजनेस विच इन्वॉल्व्स इनोवेशन डेप्लॉयमेंट
development or commercialization of new products, processes, services driven by technology or intellectual property rights. Driven by technology or intellectual property rights से वो business चल रहा है, वो business technology based है या IPR based है, उसे eligible business कहा जाएगा. Eligible startup किसे कहा जाएगा? Eligible startup वो है जो eligible business तो है ही. Eligible startup वो है जो eligible business तो है ही plus तीन conditions और satisfy हो. क्या? Incorporation 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में होना चाहिए. 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2019 तक इनकॉर्पोरेशन हो गया है इस कंपनी और एलएलपी का. सेकंड, इनका एनुअल टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए 5 सालों में. कौन से 5 साल? 1 अप्रैल 2016 से लेकर 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2021 तक 5 साल हो गए. 5 साल में किसी भी इंडिविजुअल ईयर का टर्नओवर 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए. और तीसरी कंडीशन इनके पास एलिजिबल बिजनेस होने का सर्टिफिकेट है. ये सर्टिफिकेट लिया इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से इन्होंने सर्टिफिकेट लिया. तो फर्स्ट कंडीशन, ये इनका इनकॉर्पोरेशन 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2019 तक हो. इनका एनुअल टर्नओवर 5 सालों का 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2021 किसी भी ईयर का इंडिविजुअल ईयर का 25 करोड़ से ज्यादा ना हो. और थर्ड, इनको एलिजिबल बिजनेस होने का सर्टिफिकेट मिला हुआ है किससे? इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन से. ये कंपनी और एलएलपी किसी दूसरे बिजनेस के स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नहीं होनी चाहिए. ये बिल्कुल न्यू बिजनेस होना चाहिए. लेकिन ये कंडीशन सेक्शन 33B वाले मैटर पर नहीं लगेगी. फ्लड की वजह से दोबारा बिजनेस सेटअप करना पड़ा, शुरू करना पड़ा, तब ये कंडीशन नहीं लगेगी. अदरवाइज तो ये एसएससी का बिल्कुल न्यू बिजनेस होना चाहिए, किसी पुराने बिजनेस के स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन का रिजल्ट नहीं होना चाहिए. और एसएससी अपने बिजनेस में न्यू प्लांट मशीनरी लगाए 20% तक ओल्ड हो सकती है. 20% तक ओल्ड हो सकती है. किसका 20%? टोटल प्लांट मशीनरी का 20% तक ओल्ड होगी, चलेगा. सेकेंड हैंड इंपोर्टेड प्लांट मशीनरी को न्यू मान लिया जाएगा अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई हो तो. और एसएससी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स की ऑडिट कराए सीए से और ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करे अलोंग विथ रिटर्न ऑफ इनकम. और एसएससी ये डिडक्शन आईटीआर में क्लेम करे, इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम करे, अदरवाइज ये डिडक्शन उसे अलाउ नहीं होगा. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो डिडक्शन कितना मिलेगा? 100% ऑफ इनकम डायरेक्ट फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस. इस एलिजिबल बिजनेस की, इस एलिजिबल स्टार्टअप की जो भी इनकम हुई है वो 100% डिडक्शन मिल जाएगा. ये डिडक्शन कितने साल तक मिलेगा? ये डिडक्शन 3 साल तक मिलेगा. 3 consecutive years तक मिलेगा. 3 consecutive years ऐसा बोला कि ये डिडक्शन 3 consecutive years तक ही अलाउ होगा. कौन से? पहले था 5 years, इनिशियल 5 years में से एनी 3 consecutive years तक डिडक्शन मिलेगा. इससे 5 की जगह
7 years कर दिया गया है with effect from assessment year 2018-19. तो 7 years में से initial 7 years में से any 3 consecutive years में ही deduction मिलेगा. ये 7 years कहां से शुरू होंगे? ये 7 years शुरू होंगे beginning from the year in which the eligible startup is incorporated. हो गया initial 7 years में से 3 consecutive years में ही deduction मिलेगा. यही amendment था. 5 years का 7 years कर दिया. 7 years में से 3. क्या ऐसा हो सकता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में डिडक्शन क्लेम ना किया जाए और फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ ईयर में डिडक्शन क्लेम कर लिया जाए? मिल जाएगा क्या? यस, मिल जाएगा. कॉन्जेक्यूटिव ईयर्स होने चाहिए. आउट ऑफ इनिशियल 7 years में से 3 कॉन्जेक्यूटिव ईयर्स होने चाहिए, डिडक्शन मिल जाएगा. कितना? 100% ऑफ सच इनकम. फिर बात करते हैं डीमिंग प्रोविजन ऑफ सिंगल सोर्स. ये डिडक्शन कंप्यूट करते समय एसएससी को मानना पड़ेगा कि उसका सोर्स ऑफ इनकम वन एंड ओनली यही बिजनेस है. क्या मानना पड़ेगा एसएससी को? ये डिडक्शन कंप्यूट करते समय एसएससी को मानना पड़ेगा कि ये बिजनेस एलिजिबल बिजनेस उसका वन एंड ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम है, उसका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है. ये मानते हुए एसएससी ये डिडक्शन कंप्यूट करे. और सेकंड पॉइंट में क्या दे रखा है? सेकंड पॉइंट में ज्यादा बड़ी कोई बात नहीं है, उसमें सिर्फ इतना दे रखा है मेट और एएमटी की स्कीम, क्योंकि एसएससी कंपनी और एलएलपी है तो मेट और एएमटी की स्कीम उन पर एज इट इज एप्लीकेबल रहेंगी. भले ही एसएससी ये 80IAC का डिडक्शन क्लेम करे चाहे ना करे, मैट और एएमटी की स्कीम्स उन पर कंटिन्यू एप्लीकेबल रहेंगी. अब हम बात करते हैं हमारे अगले सेक्शन 80IBA की. 80IBA क्या? एसएससी का बिजनेस है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लगाना. एसएससी का बिजनेस है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लगाना, उससे इनकम हो रही है तो वो डिडक्शन ले सकता है सेक्शन 80IBA में. ये डिडक्शन ऑल एसएससी को अलाउ है, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कंपनी हो, चाहे फर्म हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, एनी अदर पर्सन को भी अलाउ है. ऑल एसएससी को अलाउ है. कंडीशंस देखें, एसएससी को प्रॉफिट होना चाहिए. इस बिजनेस से एसएससी को प्रॉफिट होना चाहिए, वो लॉस की सिचुएशन में नहीं होना चाहिए. वो हाउसिंग प्रोजेक्ट लगा रहा है, मतलब उसमें वो रेजिडेंशियल यूनिट्स बनाएगा. सेकेंड कंडीशन, उसका ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए, उसका ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए कंपेटेंट अथॉरिटी से. कब? 1 जून 2016 से लेकर कब तक? 31 मार्च 2019 के बीच उसका ये प्रोजेक्ट अप्रूव्ड होना चाहिए बाय कंपेटेंट अथॉरिटी. और थर्ड कंडीशन, एसएससी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, पहले था 3 years में कंप्लीट करते लेकिन अब इस पीरियड को 5 year कर दिया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2018-19. तो एसएससी अपना यह प्रोजेक्ट 5 years में कंप्लीट करे. 5 years कब से? फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अप्रूवल बाय कंपेटेंट अथॉरिटी, जब से अप्रूवल मिली थी उस डेट से 5 years तक एसएससी अपना ये हाउसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर ले 5 years में. प्रोजेक्ट कंप्लीट कब माना जाएगा? जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू होगा उस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट माना जाएगा. अब
ये 3 years का 5 years हुआ, पहला अमेंडमेंट तो ये हुआ। दूसरा अमेंडमेंट पहले लिखा था बिल्टअप एरिया, द बिल्टअप एरिया, उसकी जगह क्या कर दिया है, कारपेट एरिया। कारपेट एरिया का मीनिंग क्या होता है आगे चलकर हम डिटेल में समझेंगे। कारपेट एरिया शॉप्स और अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का, जो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में इंक्लूड है शॉप्स अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, उन कहने का मतलब ये कमर्शियल एरिया टोटल कारपेट एरिया के 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शॉप्स और अदर कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स का एरिया 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब पॉइंट नंबर फाइव में काफी सारे चेंजेस हुए हैं, काफी सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। पॉइंट नंबर फाइव, ये लोकेशन क्या होनी चाहिए आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। फर्स्ट है, प्रोजेक्ट इज लोकेटेड विद इन द सिटीज ऑफ चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई, शॉर्ट में बोल दे मेट्रो, मेट्रो सिटी में ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है। पहले था आसपास का, वो जो मेट्रो सिटीज है उनकी म्यूनिसिपल लिमिट से 25 किलोमीटर तक का एरिया और यहां लिखा हुआ था, लेकिन वो 25 किलोमीटर वाली बात अब डिलीट कर दी गई है और वो अब इंक्लूड हो गई अदर प्लेसेस में। तो अब गवर्नमेंट ने बेसिकली दो क्लासिफिकेशन कर दिए, कौन से, ये मेट्रो और ये नॉन मेट्रो। ओके, तो मेट्रो सिटी में हाउसिंग प्रोजेक्ट लगा रहा है एसएससी, या नॉन मेट्रो सिटी में लगा रहा है, दो क्लासिफिकेशन हो गए। अब बात करते हैं हम उसका, ये प्रोजेक्ट जिस प्लॉट ऑफ लैंड पर सिचुएटेड है, उसका ये प्रोजेक्ट जिस प्लॉट ऑफ लैंड पर सिचुएटेड है, वो प्लॉट साइज मिनिमम कितनी होनी चाहिए। प्लॉट साइज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, नॉट लेस देन 1000 स्क्वायर मीटर्स, नॉट लेस देन मतलब एटलीस्ट, मतलब मिनिमम 1000 स्क्वायर मीटर होना चाहिए प्लॉट साइज। ओके, दूसरा, अगर नॉन मेट्रो में है तो डबल, इधर 1000 इधर 2000 स्क्वायर मीटर का वो प्लॉट साइज होना चाहिए कम से कम। फिर कह रहे कारपेट एरिया ऑफ ईच रेजिडेंशियल यूनिट, उस हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर जो रेजिडेंशियल यूनिट बनी हुई है, वो रेजिडेंशियल यूनिट ज्यादा से ज्यादा उनका क्या एरिया होना चाहिए, उसके बारे में ये कॉलम दे रखा है। ये दे रखा है नॉट टू एक्सीड, अगर मेट्रो में है तो नॉट टू एक्सीड 30 स्क्वायर मीटर्स, ईच रेजिडेंशियल यूनिट का साइज 30 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अगर नॉन मेट्रो में तो 60 स्क्वायर मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और लास्ट कॉलम क्या, यूटिलाइजेशन ऑफ एफएआर, एफएआर मतलब फ्लोर एरिया रेशन। ये फ्लोर एरिया रेशन क्या होता है, सपोज एक प्लॉट साइज है, उस पे एसएससी कंस्ट्रक्शन करता है और फ्लोर बनाता जाता है, 8 stories बिल्डिंग होती है, 12 stories बिल्डिंग होती है, फ्लोर बनाता रहता है एसएससी, तो उसके अकॉर्डिंग एक फ्लोर एरिया रेशन निकलता है। अगर एसएससी मेट्रो में है, मेट्रो में उसका ये प्रोजेक्ट है, तो उसका ये फ्लोर एरिया रेशन नॉट लेस देन 90% होना चाहिए, नॉट लेस देन 90% होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 90% होना चाहिए। और अगर नॉन मेट्रो में है तो, अगर नॉन मेट्रो में है तो नॉट लेस देन 80% होना चाहिए, इट मींस एटलीस्ट 80% होना चाहिए उसका फ्लोर एरिया रेशन। ऊपर बात हुई थी, देखिए सेकंड कॉलम में क्या देखना है, ये मिनिमम, इधर मिनिमम और इधर भी मिनिमम,
लास्ट वाले कॉलम में मिनिमम, और ये कार्पेट एरिया क्या देखना है आपका, नॉट टू एक्सीड, नॉट टू एक्सीड मतलब मैक्सिमम, मतलब लास्ट वाले तीन कॉलम में, लास्ट वाले जो तीन कॉलम है प्लॉट साइज वाला क्या देखना है, मिनिमम, एफ ए आर वाला मिनिमम, और ईच रेजिडेंशियल यूनिट वाला मैक्सिमम देखना है। कार्पेट एरिया को डिफाइन किया गया, कार्पेट एरिया को डिफाइन किया गया, कार्पेट एरिया मीन्स नेट यूजेबल फ्लोर एरिया, नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट, एक्सक्लूडिंग, इस कार्पेट एरिया में कुछ चीजें शामिल नहीं होंगी, एक्सक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल्स, एक्सटर्नल वॉल्स वाला एरिया इस कार्पेट एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, और एरिया अंडर सर्विसेस शेफ, सर्विसेस शेफ क्या, जैसे लिफ्ट लगाई गई है, वो लिफ्ट तो पूरे अपार्टमेंट के लिए काम आ रही है, तो वो कॉमन एरिया है, वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, या एक्सक्लूसिव बालकनी और बरामदा है, या फिर एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस एरिया है, वो भी इसमें कार्पेट एरिया में इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड होगा, एरिया कवर्ड बाय इंटरनल पार्टीशन वॉल्स, इंटरनल पार्टीशन वॉल्स का वाला एरिया कवर होगा, किसमें, कार्पेट एरिया में कवर होगा। ये तो थी हमारी तीन बातों को लेकर कंडीशंस, क्या प्लॉट साइज क्या होना चाहिए, ईच रेजिडेंशियल यूनिट का साइज क्या होना चाहिए, और एफ ए आर कितना होना चाहिए। अब बात करते हैं ये इस प्लॉट ऑफ लैंड पर, ये इस प्लॉट ऑफ लैंड पर एसएससी का वन एंड ओनली प्रोजेक्ट होना चाहिए, इस प्लॉट पर ये एसएससी का वन एंड ओनली प्रोजेक्ट होना चाहिए। और अलॉटमेंट कंडीशन, अगर एक रेजिडेंशियल यूनिट किसी इंडिविजुअल को अलॉट की गई है, एक रेजिडेंशियल यूनिट किसी इंडिविजुअल को अलॉट की गई है, तो सेम इंडिविजुअल को या उसके स्पाउस को या उसके माइनर चाइल्ड को उसी सेम हाउसिंग प्रोजेक्ट में अनदर रेजिडेंशियल यूनिट अलॉट ना की जाए। और एसएससी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखे सेपरेटली, हाउसिंग प्रोजेक्ट के सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन रखे, और एसएससी ये डिडक्शन, एसएससी ये डिडक्शन आईटीआर में क्लेम करे। अगर वो ये डिडक्शन इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम नहीं करता तो उसे ये डिडक्शन भी अलाउ नहीं होगा। अब बात करें डिडक्शन मिलेगा कितना, डिडक्शन मिलेगा 100% ऑफ प्रॉफिट डिराइव्ड फ्रॉम सच बिजनेस, इस बिजनेस की इनकम का 100% डिडक्शन मिल जाएगा, कितने साल तक, इनफिनिटिव इयर्स तक, जब तक एसएससी को इस हाउसिंग प्रोजेक्ट से इनकम हो रही है, इनफिनिटिव इयर्स के लिए एसएससी डिडक्शन क्लेम कर सकता है ATIBA का। और डबल डिडक्शन प्रोहिबिटेड, मतलब क्या इसका, डबल डिडक्शन प्रोहिबिटेड का मतलब है अगर एसएससी इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की इनकम पर ये डिडक्शन ले चुका है, इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की इनकम पर अगर एसएससी ये डिडक्शन ले चुका है, तो इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की इनकम पर एसएससी कोई दूसरा डिडक्शन नहीं ले पाएगा। इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की इनकम पर अगर ये वाला डिडक्शन, ATIBA वाला डिडक्शन ले लिया है, तो इस सेम इनकम पर किसी अदर सेक्शन का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा। फिर लास्ट में देखा है रिवर्सल ऑफ डिडक्शन। एसएससी ने डिडक्शन क्लेम किया फर्स्ट ईयर में, उसको कुछ इनकम हुई, क्लेम कर लिया, सेकेंड ईयर में इनकम हुई, क्लेम कर लिया, एक कंडीशन थी वो फुलफिल करनी जरूरी थी। अभी हमने बात की एसएससी को अपना प्रोजेक्ट 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अप्रूवल गिवन बाय कंपेटेंट अथॉरिटी, 5 years के अंदर एसएससी को अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल एसएससी को फर्स्ट ईयर में इनकम हुई, सेकेंड ईयर में इनकम हुई, वो डिडक्शन लेता गया,
थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में इनकम हुई, डिडक्शन लेता रहा वो, उसे अपना ये प्रोजेक्ट 5 ईयर्स में कंप्लीट करना था, लेकिन वो 5 ईयर्स में कंप्लीट नहीं कर पाया, वो 5 ईयर्स में अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया, तो क्या उसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर में जो डिडक्शन था वो कैंसिल हो जाएगा क्या? यस, वो डिडक्शन कैंसिल हो जाएगा। और किस ईयर में वो रिटैक्सेबल हो जाएगा, किस ईयर में वो रिटैक्सेबल हो जाएगा? व्हेन दिस 5 ईयर्स पीरियड एक्सपायर्स, व्हेन स्टिप्युलेटेड टाइम पीरियड एक्सपायर, उस साल की ये इनकम मान लिया जाएगा जो डिडक्शन पहले एसएससी ने क्लेम किया था, वो रिटैक्सेबल हो जाएगा किस साल? व्हेन स्टिप्युलेटेड पीरियड एक्सपायर्स। फिर अगला पॉइंट है, मेट और एमटी की प्रोविजंस एसएससी पर वैसे ही लगते रहेंगे नॉर्मल वे में, भले ही एसएससी ये डिडक्शन क्लेम करे चाहे ना करे, मेट और एमटी के प्रोविजंस अपना काम करते रहेंगे, वो स्टिल एप्लीकेबल होंगे।